वेलकम टू द पाकिस्तानी बाजेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप कैसे होंगे, आबाद होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम है जवाब और मैं हुसैन। तो आज की वीडियो का टाइटल है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी का लाइफस्टाइल उनका चेक करते हैं, भाई कैसा लाइफस्टाइल, क्या क्या चीज़ें, फैमिली कैसी है, मतलब घर कैसा, हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं भाई। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन शुरू करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, में रोस्टिंग कल्चर को स्टार्ट करने वाले कैरी मिनाटी आज अपनी गेम प्ले और रोस्टिंग वीडियोस के लिए इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है। इनके फैंस की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद रातों रात कई बड़े यूट्यूबर को पहचानकर इंडिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल क्रिएटर बन गया। असलियत तो ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैरी मिनाटी न जाने कितने पापड़ मिले हैं। आज हम इस वीडियो में कैरी मिनाटी की लाइफस्टाइल बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कैरी मिनाटी के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जिसे आप कैरी मिनाटी के नाम से जानते हो उसका रियल नेम अजय नागर है, लेकिन लोग इन्हें प्यार से कैरी और कैरी मिनाटी के नाम से भी जानते हैं। कैरी मिनाटी प्रोफेशन से यूट्यूबर और गेमर है। घंटों तक गेम खेला करते थे। दोस्तों, ने अपने कैरी को काफी ज्यादा न्यू फीचर मिल गए। कैरी मिनाटी ने उसमें काफी ज्यादा नई गेम को इंस्टॉल किया और भरपूर गेम का आनंद उठाया। उसके बाद कैरी मिनाटी को लगने लगा फ्री फायर चाहिए और उस टाइम पर कैरी मिनाटी अपने चैनल पर फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियो बनाने लगे, लेकिन इस चैनल पर व्यूज बहुत कम आते थे। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि या तो कैरी मिनाटी के कंटेंट में कुछ खास दम नहीं था या फिर उस टाइम पर यूट्यूब पर अब के मुकाबले 1% ऑडियंस भी नहीं थी। दोस्तों, कैरी मिनाटी का चैनल स्टिल्थ फियर्स आज भी एग्जिस्ट करता है और आप इनके चैनल के बारे में YouTube पर सर्च करके देख सकते हो। दोस्तों, इसके बाद कैरी मिनाटी YouTube के लिए धीरे धीरे सीरियस होते रहे और लगातार मेहनत करने के बाद 15 साल की उम्र में कैरी मिनाटी ने 30 अक्टूबर 2014 को अपना नया चैनल जहाँ पर स्ट्राइक खेला करते थे और साथ ही साथ गेम प्ले की कमेंट्री भी किया करते थे। कैरी मिनाटी की आवाज में उस टाइम पर बहुत एक मतलब गेम प्ले की लगी हो जाए, बस करना चाहिए, करना जैसे एक टाइम शौक से करें, बिल्कुल शौक के लिए तभी बंदा करने आया। और इसी को देखते हुए जैन ने चैनल का नाम एडिक्टेड A1 से कैरी देओल रख दिया और इस चैनल पर जो भी बिना एडिट की हुई लो क्वालिटी की वीडियो थी उन सभी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। इसके बाद कैरी ने गेमिंग रोस्टिंग वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ऐसी वीडियो में कैरी गेम प्ले के साथ साथ छोटे आर्टिस्ट को रोस्ट भी करने लगे, जो कि इंडिया में पहली बार किसी ने ट्राई किया था। और धीरे धीरे कैरी मिनाटी का तेजी से वायरल हो रहे थे और आज भी वो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है, लेकिन किसी ने भी उस टाइम पर बीबी की वाइंस को रोस्ट नहीं किया था, लेकिन कैरी मिनाटी ने बीबी की वाइंस को रोस्ट करने की हिम्मत जुटाई। उसके बाद कैरी ने भुवन बाम का रोस्ट कर डाला और इससे कैरी का चैनल कुछ ही दिनों में तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन इस रोस्ट वीडियो पर बीबी की वाइंस के फैंस भड़क गए और कैरी मिनाटी को कमेंट सेक्शन में गालियां देने लगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना भी जायज था क्योंकि इससे पहले इंडिया में शायद किसी ने रोस्टिंग वीडियो देखी होगी, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। कहानी तब पलटी जब इस वीडियो को बीबी ने खुद अप्रिशिएट किया। इसके बाद कैरी के उस रोस्ट वीडियो को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया क्योंकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आने
जाने लगा कि रोस्टिंग केवल इंटरटेनमेंट के लिए होती है। इन सभी चीजों में केरी मिनाटी के 2014 से 2016 तक मात्र 50,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन बीबी का रोस्ट करने के बाद केरी के चैनल पर सब्सक्राइबर का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और कुछ ही दिनों में 1,00,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद केरी मिनाटी ने उस महीने में 7 और रोस्ट वीडियो बनाए जिसमें बीबी की वॉइस के अलावा परदेसी गर्ल भी शामिल थी। इसी समय केरी मिनाटी ने अपने चैनल पर एक बड़ा बदलाव किया। इन्होंने गेमिंग रोस्टिंग को छोड़कर फेस कैम रोस्ट करने लगे। उसके बाद केरी मिनाटी ने अपने एक्सप्रेशन से लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के बीच केरी मिनाटी अपनी पढ़ाई को तो बिल्कुल भूल गए। लेकिन यूट्यूब के चक्कर में पूरे साल पढ़ाई नहीं की। इसके बाद केरी मिनाटी एग्जाम से एक दिन पहले रात को अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझसे यह सब नहीं होगा। और केरी के पिता ने भी हंसकर बोल दिया कि जो तुझे करना है वो तू कर ले। उसके बाद में केरी ने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लेकर ओपन स्कूल से अपनी एग्जाम क्लियर की और तभी से लेकर अब तक केरी मिनाटी ने यूट्यूब को फुल टाइम करियर बनाया है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ खत्म नहीं हुई। केरी के चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आना शुरू हो गए। लेकिन तब हो गई जब 2016 को केरी मिनाटी के चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, क्योंकि जिनको केरी मिनाटी ने रोस्ट किया था उनको वो वीडियो पसंद नहीं आई और कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दी। लेकिन केरी मिनाटी को ऑडियंस का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसके बाद कई जुगाड़ करने के बाद तीनों कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई और चैनल टर्मिनेट होने से बच गया। जिसके बाद केरी मिनाटी के चैनल पर बाबा सेगल की तरफ से भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई, क्योंकि केरी ने इनके गाने को रोस्ट किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि केरी की वजह से कई लोगों को बिना कुछ किए ही फेम मिल गया, जैसे डिंचक पूजा, दीपक लाल और ओम प्रकाश मिश्रा। दोस्तों केरी मिनाटी ने 8 जनवरी 2017 को अपना नया चैनल बनाया जिसका नाम रखा केरीज लाइव। इस चैनल पर केरी मिनाटी अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग और गेम प्ले की वीडियो आए दिन डालते रहते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद केरी मिनाटी को असली पहचान मिली। जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ट्रेंड चला तो टिकटॉक के आमिर सिद्दीकी ने यूट्यूब क्रिएटर के बारे में उल्टा सीधा कहा, जिसके बाद कई यूट्यूबर ने अपने अलग अलग अंदाज में आमिर सिद्दीकी को जवाब दिया। लेकिन जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर केरी मिनाटी का वीडियो आया जिसके बाद यूट्यूब के कई रिकॉर्ड टूटे और वो वीडियो इंडिया का सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला वीडियो बना। इसके अलावा केरी मिनाटी ने 24 घंटे में 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया, जो कि आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी भी चैनल के साथ नहीं हुआ। और जहां केरी का चैनल 8 मिलियन सब्सक्राइबर पर था, वहां एक महीने के बाद वो आंकड़ा 20 मिलियन सब्सक्राइबर को छू गया। और परसेंट की बात की जाए तो अजय के चैनल केरी मिनाटी पर फिलहाल 31 मिलियन सब्सक्राइबर है और इतने सब्सक्राइबर के साथ वो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल क्रिएटर है। केरी मिनाटी की नेशनलिटी है इंडियन और रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। 2014 से शुरू करके की फैमिली के बारे में कितने साल सबर की। केरी के परिवार में इनके मम्मी पापा के अलावा केरी का बड़ा भाई भी है। केरी मिनाटी के फादर का नाम विवेक नागर है और इनके भाई का नाम यश है। केरी मिनाटी मैरिटल स्टेटस से अनमैरिड है और इनकी अफेयर या गर्लफ्रेंड के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है केरी मिनाटी के नाम से और फिलहाल इनके इंस्टाग्राम पर 12.7 मिलियन फॉलोअर्स है। केरी मिनाटी का फेसबुक पेज भी है जिस पर करीब 21 लाख फॉलोअर्स है। और आपको बता दें कि केरी मिनाटी का ट्विटर अकाउंट अजय नागर के नाम से है और इनके ट्विटर अकाउंट पर फिलहाल 2.6 मिलियन फॉलोअर्स है। अब बात करते हैं केरी मिनाटी की इनकम की। दोस्तों एक यूट्यूबर की कमाई के कई सोर्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब रेवेन्यू, सुपर चैट, पेटीएम, गूगल पे, सब्सक्रिप्शन और स्पॉन्सरशिप। और अगर इन सबको मिलाकर केरी मिनाटी की एक महीने की कमाई की बात की जाए तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि केरी मिनाटी एक महीने में 20 से 25 लाख रुपए की कमाई करते हैं। दोस्तों केरी मिनाटी को ज्यादा कार पसंद नहीं है, लेकिन इनकी सबसे फेवरेट कारों में से एक है टोयोटा फॉर्च्यूनर और इसी कारण इनके पास फिलहाल 2021 में सिर्फ एक कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी इंडिया में प्राइस है 38.47 लाख रुपीज। और अगर बात करें केरी की बाइक कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि फिलहाल केरी मिनाटी के पास कोई भी बाइक नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा चलो किसी का अपना अपना शौक जी अपना अपना शौक है बिल्कुल गाड़ियों को आपने किसी किसी चीज का शौक होता है तो बिल्कुल इनको ऑल पर वाकया यार देख लीजिए जबरदस्त वीडियो मतलब एक नॉलेज हासिल हो जाती है। पहले हमें नहीं पता था ये मतलब ऐसी ऐसी चीजें कितनी मतलब इन्होंने मेहनत की है कितनी 2014 से 2016 तक कितने 50,000 सब्सक्राइबर थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर बड़े फिर रोस्टिंग जब हुई और ज्यादा करते करते हिट हो गए कौन से कितने 8 मिलियन से एक महीने में 8 मिलियन से 20 मिलियन को पहुंचे 20 मिलियन इतने सब्सक्राइबर यार।
यू आर अ मिलियन सब्सक्राइबर एक महीने में मतलब चौंका देने वाली बात है कि उतने। और केरी मिनाटी वाकई में वीडियो इनकी देख वाकई यार बड़ा मतलब फनी है, बंदे जितने भी टेंशन हो टेंशन हो बस इनकी वीडियो देख लो, इनकी वीडियो देख तो टेंशन दूर हो जाती है, टेंशन मतलब हंसी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक फनी इंसान है। अभी जब दुबई में एक था एक फंक्शन था वहाँ पे भी गाए थे केरी मिनाटी। अच्छा केरी मिनाटी डकी भाई को मिले थे, डकी अच्छा। भाई उसको मिले थे, डकी भाई कहते हैं कि मैंने भी आपको देखे रोस्टिंग शुरू की ना, अच्छा तो अच्छा लेके केरी भाई उससे जाते हैं बड़े ग्रेट बंदे ना, मैंने जब उसको मिले थे कहता है केरी मिनाटी भाई जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये होता है ना अभी जो टैलेंट मेरे में वो मेरे अंदर ही, वो बिल्कुल जो मेरे अंदर है वो आपका। जी 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 यही बात है बिल्कुल, इस तरीके से बंदा अपना टैलेंट पहचाने जो हम खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए, करें एक दफा करें बिल्कुल जरूर करें, मेहनत करें तो बंदा इंसान कामयाब होता है, मेहनत करें तो फिर अच्छी लगने की कोशिश करें बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगे, इसलिए बिल्कुल दुआ में याद रखिएगा हमें, इजाजत दीजिए तो बाय।